25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी को लगाए आज 49 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर संविधान का गला घोटने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस को संविधान का गला घोटने के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार यानी आज आपातकाल की 50वीं वर्षी के मौके पर अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत में लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया, ये हर कोई आज याद कर रहा है। संविधान का गला घोटने के लिए कांग्रेस को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम उस आपातकाल को याद करते हैं तो पाते हैं कि कांग्रेस में भले ही चेहरे बदल गए लेकिन आज भी चरित्र वही है। ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं लेकिन ये भारत के बाहर जाकर भारत को और लोकतंत्र को कोसते हैं, भारत की चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाते हैं, भारत के अंदर हर चुनाव की प्रक्रिया में बाधा पैदा कर ईवीएम पर दोष मढ़ते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस का तानाशाही कूर रवैया हमने आज से नहीं 1975 से ही देखा है, दूसरी तरफ आजादी के तत्काल बाद संविधान में संशोधन कर धारा 370 जबरन डालकर देश की अखंडता को चुनौती दी। इसके अलावा समय समय पर लोकतंत्र के सभी स्तंभों को कमजोर करने का प्रयास भी कांग्रेस ने किया। योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी गठबंधन पर भी निशाना साधा और कहा कि 1975 में जो लोग देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल गए आज उनकी नई पीढ़ी कांग्रेस की गोद में बैठी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि कांग्रेस आज भी उसी रास्ते पर चल रही है, संविधान को खत्म करने के रास्ते पर चल रही है। कांग्रेस के जो सहयोगी हैं वे जनता के नाम पर संविधान की कार्रवाई को बाधित करने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।